अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले एकदम झटपट सी बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी एग चीज़ ब्रेड, जिसके लिए मैंने दो अंडे लिए हैं। एक ब्रेड को बीच में से मैंने कट कर लिया है और चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं। तो सबसे पहले हम अंडे में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। सबसे पहले पैन में हम बटर ऐड कर देंगे। बटर को हमें मेल्ट होने देना है। थोड़ा सा मैंने फ्राई पैन में बटर को फैला दिया है। अब हम हमारे अंडों को डालेंगे। फ्लेम हमको बिल्कुल लो रखनी है और बटर को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। अब ब्रेड के स्लाइस को हम पहले डीप कर लेंगे, अंडे में डीप करके फिर इसकी साइड को टर्न करेंगे। देखिए, बैक साइड को भी डीप करेंगे, फिर इसकी साइड को हम रख देंगे। दोनों साइड को ब्रेड की हमें करीब करीब रखना है और लो फ्लेम पर ही हम अंडे को कुक होने देंगे। देखिए, एक साइड से अंडा कुक हो चुका है। अब इसके साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। और दूसरी साइड से देखिए हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड पे जो अंडे हैं उनको हम इस तरीके से पलट देंगे। तो बहुत ही झटपट और क्विक बनने वाली ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हो। बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं ऐसी रेसिपीज़, या फिर ऐसी कोई चीज़ वाली ब्रेकफास्ट बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने चारों तरफ से अंडे को फोल्ड कर दिया है। अब हम एक साइड पर चीज़ की स्लाइस रख देंगे। दो चीज़ के स्लाइस का यूज़ किया है मैंने। थोड़ा सा हम इस पर टोमेटो केचप डालेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, फोल्ड कर लिया है मैंने। अब हल्का सा हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चीज़ हमारी अंदर से मेल्ट हो जाए। बस एक मिनट के लिए हम पकाएंगे। देखिए, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारी बहुत ही झटपट सी क्विक सी ब्रेकफास्ट चीज़ एग ब्रेड रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ। ये देखिए कितनी चीज़ी बना है। ये चीज़ बिल्कुल बाहर आ रही है मेल्ट होकर। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा ब्रेकफास्ट में, बहुत ही टेस्टी लगती है और जल्दी से बन भी जाती है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं, ज़्यादा कोई सामान नहीं लगते, घर के ही हमारे सामान से बन जाती है ये रेसिपी। और बहुत ही अलग और अच्छी, दिखने में भी बहुत अच्छी है ये, कि ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ यूज़ किया है इंग्रेडिएंट्स इसको बनाने के लिए, बट सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए, एक पीस मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ कि कितना चीज़ी बना है ये एग ब्रेड। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाएं, आप भी खाएं, और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं ये सब चीज़ें। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और कैसी बनी थी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।